I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Hey, घुटनों में मत गिरा करो मेरे. अपना काम ठीक से किया करो. कितने इसमें? जी 5 लाख. बस. मंगल, मुझे तुम्हारे इलाके से इस महीने के आखिर तक 50 लाख रुपए की वसूली चाहिए. इलेक्शन के लिए 2 करोड़ रुपया चंदा देने की हामी भरी है मैंने. इसके लिए अगर 1-2 को निपटाना भी पड़े तो चूकना मत. जी. जाकिर और शंकर की कल रिहाई है, उन्हें भी अपने साथ लगा लो. जी राणा साहब. फोन है जी. नमस्ते राणा साहब. मैंने तुमसे कहा था ना कि ये काम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए. मैं देखता हूँ राणा साहब. क्या उस चुगानी को पता नहीं कि ये बिल्डिंगें जसपाल राणा की बन रही हैं? उस साले चुगानी को उठाकर आज रात को मेरे फार्म हाउस पे ले आओ. जी राणा साहब. तुम्हारी वकील से बात नहीं हुई क्या? जी. ये कोर्ट में से एक कागज निकालने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? कालीना चौक की यह जमीन हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए बंटेश्वर. जी. पूरे 20 करोड़ रुपए का खेल है ये. 7 तारीख को कोर्ट का फैसला हो जाएगा जी. वो जमीन आप ही की है जी. लेकिन राणा साहब, मेरी ये जो 2.5 बीघे जमीन की बात है उसका मैं क्या जवाब दूं जी? बंटेश्वर, मुझे राणा साहब से मिलने दो. सावंत, आने दो इसे. नमस्ते राणा साहब. हाँ, क्या बात है भाई? राणा साहब, मेरे पिताजी 3 दिन से गायब हैं. पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई मगर कोई फायदा नहीं. तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जी, जगदीश रस्तोगी. कालबदे में हमारी दागिने की दुकान है. बुधवार की रात को मेरे पिताजी दुकान बंद करके घर के लिए निकले मगर घर नहीं पहुंचे और पुलिस स्टेशन में भी हमारी कोई नहीं सुनता. अगर आप कमिश्नर साहब से बात करके. क्यों भाई कामले साहब, ये क्या हो रहा है इस शहर में? जगदीश रस्तोगी को तलाशने के लिए क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस? ये मामला मेरी नॉलेज में नहीं है राणा साहब. मेरे ख्याल से ये केस Zone 3 के किसी ऑफिसर के पास होगा. मैं आज ही फाइल मंगा के देख लेता हूँ. आपके फाइल देखने से इनकी तसल्ली नहीं होगी. आदमी को तलाशिए. जरा सोचिए उस घर की क्या हालत होगी जिसका मालिक 3 दिन से घर नहीं पहुंचा. मैं अभी देखता हूँ. ओके, तुम घर जाओ. अब ACP साहब खुद इस केस को देखेंगे. तुम्हारे पिताजी जहां भी होंगे पुलिस उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगी. जी शुक्रिया. राणा साहब, प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है. आप इसके बाप को छोड़ दे तो अच्छा होगा. अब तो मीडिया वालों ने भी ये किस्सा उछालना शुरू कर दिया है. कल आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है राणा साहब. रस्तोगी की लाश मिलने के बाद सब ठंडा हो जाएगा. मौत के बाद उसकी खुली आंखें देखकर शहर के लोगों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे. नहीं राणा साहब, मेरे ख्याल से इस वक्त रस्तोगी को मारना आपके लिए. रस्तोगी को मरना तो पड़ेगा ही. पैसे की बहुत गर्मी हो गई है उसमें. वो अपनी जात वालों में मेरे खिलाफ जहर भर रहा था. बंटेश्वर. हाँ जी. नागेश को फोन लगाओ. जी. रस्तोगी, मेरा डैड नहीं चाहता कि तू जिंदा रहे. कहाँ जा रही हो बेटी? कॉलेज डैड. कॉलेज? मैं देख रहा हूँ कि आजकल पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है. लेकिन बेटी, आज संडे है. संडे? डैड, आज स्पेशल क्लास है. स्पेशल क्लास? स्पेशल क्लास. और इस स्पेशल क्लास के स्पेशल टीचर है विशाल अग्निहोत्री. और सब्जेक्ट्स हैं प्यार, रोमांस, मौज मस्ती, है ना? डैड, आप मुझे गलत समझ रहे हैं. मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ. तुम्हारी और विशाल की प्रेम कहानी जिस रफ्तार से बढ़ रही है सब जानता हूँ मैं. लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं मेरी कंपनी के मुलाजिम को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा. तू कुछ जानती है? तू कुछ नहीं जानती. आ, आ मेरे साथ. डैडी, आ, देख, देख, कौन है ये? ये है तेरे परदादा हुकम चंद, राजा भीमराव के इकलौते वंशज. बहुत बड़ी रियासत थी इनकी.
50 गांव की पट्टेदारी थी। 2 हाथी और 500 घोड़े हमेशा साथ में चला करते। और ये देख, ये देख, ये है तेरे दादा रघुपति राव। पट्टेदारी और रियासत छीन जाने के बाद इनके पास क्या बचा? 2 हाथी और कुछ घोड़े। उन्हें सर्कस वालों को बेचकर दिन रात की रोटी पानी का इंतजाम करना। और ये देख, ये तेरा बाप खड़ा है तेरे सामने। कुछ नहीं था मेरे पास जब मैं इस शहर में आया। बड़ी मेहनत की, कुलीगिरी की, दिन रात कुलीगिरी की, तब मैं कुली से सेठ बन पाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई चुच्चा सा लड़का तुझे प्यार के चक्कर में फंसा कर मेरी इस जायदाद का मालिक बन बैठे। मैंने इस जायदाद को अपनी मेहनत मजदूरी से खड़ा किया है। बहुत हो गया, चल चल मेरे साथ, बहुत हो गया। जब से तेरी माँ का साया तेरे सर से हट गया, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तेरी हर जिद के सामने घुटने टेके, और बदले में मुझे क्या मिला है? बोल क्या मिला? जा जा अपने कमरे में, जा अंदर, जा अंदर जा। और कमरे के बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, और विशाल उसका तो मैं सर काट दूंगा, उसके तोड़ दूंगा हाथ। बद्रीनाथ, ये क्या हो रहा है? एक मासूम अबला के साथ इतनी शक्ति क्यों दिखा रहे हो? ठीक कर रहा हूँ मैं, ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मेरे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। अरे आपके लाड प्यार ने जिसे बिगाड़ा है वो तो गाड़ी लेकर फुर्र हो गई है। आपने नेहा बेटिया की जगह कांताबाई को कमरे में बंद कर दिया है। क्या कह रहे हो तुम? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या? खुद ही खोल कर देख लीजिए ना। ए, भारा भारा भारा, ये क्या नौटंकी करी है मेरे साथ? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के घसीट के ऊपर ला रहा हूँ, तुम बोल नहीं सकती। अगो माया, मैं कैसे बोलती? 3 साल में पहली बार मेरा हाथ पकड़ा तुम। 3 साल में पहली बार? अरे गिरी बाबू, ये तुमको क्या हो रहा है? अरे गिरी बाबू, नेहा की शादी के साथ साथ आपकी शादी का भी मुहूर्त निकलवा दूं? बद्री, याद रख, मैं नेहा को छोड़ूंगा नहीं। अरे आप कुछ नहीं हो सकता है, वो दोनों तो नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, थिरक रहे होंगे। अरे क्यों चिल्ला रही है? कौन सुनेगा तुम्हारी? कहाँ रह जाते हो? फिक्र हो जाती है मुझे, कितना वक्त हो गया है, खाना कब से लगाकर बैठी हूँ। चलो चलो बैठो, पहले खाना खा लो। टू वॉच मोर ऑफ बॉलीवुड एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब टू शिमारू मी नाउ।